आप देख रहे हैं नंबर वन सूत्रा जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एसएस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी त्रिपाठी। कोरोना त्रासदी के बीच छत्तीसगढ़ में राजनीतिक घमासान भी छुआ हुआ है। ये घमासान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के उस बयान के बाद शुरू हुआ है जिसमें उन्होंने आरएसएस पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि जन सेवा का दम भरने वाले खाकी पैंटधारी कार्यकर्ता कोरोना संकट में कहां लापता होंगे। पीसीसी चीफ ने संघ पर सवाल उठाए तो विपक्ष आग बबूला होगा। बीजेपी ने मरकाम पर आरएसएस से माफी मांगने की मांग करते हुए कहा कि उन्हें संघ की पृष्ठभूमि पढ़ने की जरूरत है। संघ की भूमिका पर उठे सवाल से सियासी टकराव का सिलसिला अब कहां जाकर थमेगा, आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। साथ ही बात मध्य प्रदेश की भी होगी जहां सत्ता गंवाने के बाद अब उपचुनाव में मजबूती से उतरने के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। छह पूर्व मंत्री समेत 22 बागी विधायकों ने ज्योतिराज सिंधिया के साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था जिसके चलते कमलनाथ को सत्ता से हाथ धोना पड़ा। इसी के चलते कांग्रेस ने बागियों में सबसे पहले छह पूर्व कांग्रेसी मंत्रियों की घेराबंदी करने की रणनीति बनाई। कांग्रेस ने इन छह बागी मंत्रियों के सामने मजबूत उम्मीदवार की तलाश भी शुरू कर दी है ताकि बगावत का हिसाब बराबर हो सके। हालांकि ये काम आसान नहीं है क्योंकि बीजेपी खास रणनीति के तहत मैदान में उतर रही है, साथ ही अब वो सत्ता में भी है। ऐसे में पलड़ा उसी का ज्यादा भारी लग रहा है। कांग्रेस को अपने जिन छह बागी मंत्रियों को जवाब देना है उनमें से एक तुलसी सिलावट है। ऐसे में आज हम सत्ता के संग्राम में बात इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट की करेंगे जहां सिलावट की सत्ता खत्म करने के लिए कांग्रेस रणनीति बना रही है। खैर, यहां कामयाबी किसे मिलेगी इस पर विस्तार से बात होगी, लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ जहां संघ पर सवाल उठाए गए। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के बीच सियासी बदमाशी के साथ आरोपों का दौर भी लगातार जारी है। सियासी आरोपों और सवालों के बीच छत्तीसगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तंज कसा है। मोहन मरकाम ने कोरोना त्रासदी के दौरान संघ की निष्क्रियता और चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं बीजेपी को संघ पर उठाए गए तमाम सवाल फूल की तरह चुभे। विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा है कि मरकाम को पूरी जानकारी नहीं है और उन्होंने गलत टिप्पणी की है, लिहाजा उन्हें माफी मांगना चाहिए। देखा जाए तो संघ पर सवाल का मुद्दा गर्मा गया है। इस पर चर्चा शुरू करें, आइए इसके पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखें। छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के बीच भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी ने धान के मुद्दे को लेकर भूपेश सरकार को घेर रखा है तो वहीं अब कांग्रेस ने विपक्ष की बजाय सीधे संघ को सवालों के घेरे में लिया है। सवाल कोरोना त्रासदी में संघ की निष्क्रियता और चुप्पी को लेकर उठाए गए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने सवाल किया है कि जनसेवा का दम भरने वाले खाकी पैंटधारी आरएसएस के कार्यकर्ता अब कहां लापता हो गए हैं। त्रासदी झेल रहे मजदूरों की सहायता के लिए आरएसएस के लोग क्यों नहीं नजर आ रहे हैं। मरकाम ने यह भी कहा कि अब संघ ये क्यों नहीं कह रहा कि इस भीषण पीड़ादायक कष्ट के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार है। पीसीसी चीफ ने बकायदा प्रेस रिलीज जारी कर संघ को घेरे में लिया। इधर कांग्रेस के संघ पर वार को लेकर विपक्ष ने पलटवार किया। बीजेपी के मुताबिक संघ ने हर संकट के समय सेवा की मिसाल पेश की है जबकि कांग्रेस ने हमेशा दिखावा किया। जब भी देश में घटना घटी है, आपदा आई है, उस समय सबसे पहले कोई खड़े होने वाले हैं तो संघ की भूमिका प्रमुख रूप से रही है। इसलिए मैं मोहन मरकाम जी से कहना चाहता हूं, या तो अपने टिप्पणी को आपको वापस लेना चाहिए और नहीं तो आपको संघ से माफी मांगना चाहिए। बहरहाल छत्तीसगढ़ में कोरोना संकट के बीच भी राजनीति अपने चरम पर है। कांग्रेस ने संघ पर जो सवाल उठाए वो कितने सही हैं और कितने निराधार ये तो जनता बखूबी जानती है, लेकिन एक बात तय है कि अब ये मुद्दा और गर्माएगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। तो संघ पर सवाल,
इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह जी हैं और बीजेपी प्रवक्ता सी चंद्रानी जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ स्वराज एक्सप्रेस के छत्तीसगढ़ के संपादक मनोज सिंह बघेल और वही भोपाल स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सुदेश भार्गव। आप लोगों का स्वागत है। पहले मनोज जी बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, आखिर मरकाम जी को ये टिप्पणी करने की जरूरत क्या पड़ी और क्यों की? देखिए, मुझे लगता है सर कि जिस तरह से भाजपा लगातार सरकार पे सवाल उठा रही थी, खासतौर पे जब से मजदूर जो है देश के विभिन्न राज्यों से वापस लौट रहे थे और उनके लिए व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी, इस तरह से लगातार जो है सरकार के खिलाफ जो है भाजपा मुखर हो रही थी, तो लगता है कि कहीं ना कहीं काउंटर अटैक के रूप में इसको किया गया है। और सीधे पीसीसी अध्यक्ष ने अचानक आरएसएस पर सवाल उठाया कि आरएसएस पूरे इस परिदृश्य में कोरोना संकट के दौर में कहाँ गायब हो गई है और जो सेवा का दम्भ भरने वाले लोग हैं वो किसी तरह की सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मूल रूप से ये काउंटर अटैक है बीजेपी पर। मतलब कुछ नहीं मिला तो चलो संघ पे अटैक कर दे, सवाल है। चलिए सिंह साहब, पहली बात तो ये कि राजन तिवारी जी भी आए थे, हमने फिर से प्रोग्राम किया, थोड़े लंबे समय तक जनता मांगे जवाब बंद था कोरोना संकट के दौरान, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों से ये कहिए आप कि वो स्टूडियो में आए, जरा डरे नहीं, नरेश गुप्ता जी थे साथ में, तो उन्होंने कहा डरे नहीं, आज आप स्काइप में हैं, स्टूडियो आने से डर गए क्या? नहीं, स्टूडियो आने से मैं कब डरा हूं, बल्कि कांग्रेस का कोई प्रवक्ता सबसे ज्यादा आपके स्टूडियो में आया है या दूसरे स्टूडियो में गया है वो सबसे ज्यादा पत्रकारों के सवालों का सामना किया, तो मैंने किया है, तो बात का बेहतर जानते हैं। चलिए सिंह साहब, निश्चित रूप से संघ पे सवाल उठाए हैं, लेकिन संघ के पैरेलल कांग्रेस ने एक संगठन खड़ा किया था, कांग्रेस सेवा दल। संघ की हम बात कर लेंगे सुंदरानी जी से कि संघ ने क्या किया क्या नहीं, लेकिन कांग्रेस सेवा दल कहाँ है, उसने क्या किया? देखिए, कांग्रेस सेवा दल अपने स्थापना के समय से ही लोगों की सेवा का काम कर रहा है, संगठन को मजबूत करने का काम करता है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आम जनता और संगठन के बीच की कोई इनका कांग्रेस की बहुत ही मजबूत डोर है, कोई ऐसी कड़ी है तो वो सेवा दल है। देखिए, आरक्षण पर सवाल इसलिए उठता है जो इसके पीछे की बातें उसको समझने की आवश्यकता है। सिंह साहब, आरएसएस पे सवाल उठाइएगा, पहले हमारा एक छोटा सा कि आप छत्तीसगढ़ में बता दीजिए कहां कहां सेवा दल ने लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया है, एक आध जगह का दो जगह का नाम बता दें। खाली सेवा दल की बात क्यों करते हैं आप? हमारा पूरा कांग्रेस संगठन हिंदुस्तान के स्तर पर आप देखिए, यूपी में कैसे 1000 बसें हम लेके खड़े हैं और योगी जी वहां कांप रहे थर थर, तो पूरे देश में कहीं भी आप देखेंगे ना, तो फिर उनकी भी बात करिए ना, पूरे बीजेपी संगठन से बात करिए ना, बीजेपी संगठन अनुसांगिक संगठन है संघ का, तो उनकी भी बात करिए ना, पूरा बीजेपी क्या? नहीं देखिए, हम तो सवाल इसलिए उठा रहे हैं साहब, जो ये सवाल उठा इसका मूल की जो भावना है उसको जानने की आवश्यकता है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, हिंदुत्व का ठेकेदार कौन मानता है? बीजेपी और संघ जी। मेरा कहना है कि मजदूर हिंदू उसी समय क्यों बनता है जब चुनाव सिर पर होता है जी, मजदूर हिंदू उसी समय क्यों बनता है जब आपको वोटों की फसल काटनी होती है। आज सड़कों पर चलते चलते जो 100 से ज्यादा लोग दुर्घटनाओं में मारे गए, 53 से ज्यादा लोग भूख और प्यास से बिलबिला के मर गए, उसमें से कितने हिंदू थे आपको नहीं पूछते हैं जी। आपका दर्द उसी समय हिंदुओं के लिए क्यों जागता है जब सामने चुनाव होता है जी। तो आप जो है धर्म के ध्वज भग बनते हैं, हिंदुत्व का झंडा और डंडा लेकर आप चलते हैं, तो अभी आप कहाँ हैं? मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ जी। भूपेश बघेल जी का पुराना घर आपने देखा होगा जिसमें वो प्रदेश अध्यक्ष के नाते रहते थे, उसके ठीक बाजू में आरएसएस अनुसंगिक संगठन स्वदेशी उसका कार्यालय है जी। वहां पर 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर अमर सिंह जाते हैं और खाना बनाने की नौटंकी करते हैं, और खाना बनाने के बाद रमन सिंह खाने का पैकेट जिस व्यक्ति को सौंपते हैं उसके गले में मेरे अंगूठे से ज्यादा मोटी सोने की चैन है और हाथों में 10 अंगूठियां पहना वो भी सोने की। तो इतना गरीब आदमी भारतीय जनता पार्टी को कहां मिलेगा ये नौटंकी है साहब। हम तो सवाल ये उठा रहे हैं कि आप अपने आप को कहते हैं सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, तो आपकी संस्कृति क्या होनी दिखती है, आपका सामाजिक जुड़ाव क्या होनी दिखता है, संगठन आप कौन से ये भी पता नहीं चलता है, लेकिन जब हिंदुत्व की बात करते हैं तो अभी आप सामने क्यों नहीं आते हैं? हम तो हिंदुत्व सम्मान नहीं करते हैं, हम तो एक निगाह सबको देखते हैं, ऊंच हो नीच हो हमारा नारा है, क्या अमीर क्या गरीब, कांग्रेस पार्टी सभी के करीब। आप देखिए गुजरात में क्या हो रहा है, मजदूरों को पर लाठियां चल रही, आंसू गैस से गोले गिराए जा रहे हैं,
आप देख लीजिए जहां जहां यूपी में देख लीजिए क्या हो रहा है, तो कहीं भी ऐसी एक तस्वीर एक घटना मुझे आज तक दिखाई नहीं दी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने मजदूरों की मदद की हो। और सबसे बड़ा सवाल त्रिपाठी जी, इसका जवाब श्रीचंद से जरूर पूछेगा कि पूरे हिंदुस्तान में आप देख रहे हैं कि 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरी चली गई है, 14 करोड़ से ज्यादा मजदूर बेघर बार हो गए हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता, खुली चुनौती देता हूं, पूरे देश में एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता अगर उन मजदूरों के पक्ष में खड़ा नजर आया हो, एक बयान जारी किया हो, तो मुझे उसका नाम बता दीजिए। चलिए हम सुनवाई से पूछ लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपने 2-3 राज्यों का नाम बताया, महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा बुरी स्थिति है, वहां आपकी सरकार है। नहीं, महाराष्ट्र में बुरी स्थिति है, देखिए अगर हम कोरोना पर बात करेंगे तो कोरोना नागपुर से तो आया नहीं है, कोरोना आया कहां से, हमारे देश में था नहीं, विदेश से आया है, चाइना से लगा हुआ देश है ताइवान। त्रिपाठी साहब, जिस दिन पहला केस ताइवान में मिला उस दिन सारे इंटरनेशनल बॉर्डर सील कर दिए गए, सारी फ्लाइट्स बंद कर दी गई और वहां पर कोरोना नहीं फैला। हमारे यहां ऐसी क्या मजबूरी थी? 30 जनवरी को पहला केस सामने आता है, मोदी जी 24 फरवरी तक क्या करते हैं, नमस्ते ट्रंप, एयरपोर्ट पर जांच नहीं होती, आपको किसने रोका था साहब? और सबसे बड़ी बात कि 9 मार्च को कोरोना से पीड़ित इस देश में पहली मौत होती है और 9 मार्च को आप कांग्रेस के विधायक खरीद कर भोपाल से बेंगलोर भेज देते हैं। आप 23 मार्च को एमपी में सरकार बनाते हैं और 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा कर देते हैं। किस दिन? 24 मार्च को त्रिपाठी साहब, इस देश में मात्र 519 लोग कोरोना संक्रमित थे। अगर आपके पास विजन होता, मैं फिर कहता हूं मोदी जी के पास विजन के नाम पर सिर्फ टेलीविजन है, विजन रहता तो आप पूरे देशवासियों को 10 दिन का समय देते, सारे मजदूर हंसी खुशी अपने अपने घर पहुंच जाते, आप लॉकडाउन लगा लेते, बहुत ज्यादा क्या होता, 519 की संख्या बढ़ के 1000 हो जाती, 2000 हो जाती, 1 लाख तो नहीं होती। लेकिन आपकी आज दूरदर्शिता के चलते आज हिंदुस्तान का भविष्य खतरे में है। आप सोचिए, जब 519 मजदूर थे, 519 लोग संक्रमित थे, तो आपने कंप्लीट लॉकडाउन किया था, और जब 1 लाख से ज्यादा संक्रमित लोग, तो आप सब कुछ खोल रहे हैं। आज हम अखबारों पर ट्रेन चलेगी 200, फ्लाइट चालू होने वाली है, इंटरस्टेट बसें चालू होने वाली हैं, तो आप देश को गड्ढे में लेके जा रहे हैं और हिंदुस्तान 70 साल पीछे जाएगा। सिंह साहब, तो आपका कहने का मतलब हमें लॉकडाउन रखते, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है कि आप 5-7 दिन समय देते, सब लोग अपनी अपनी जगह पहुंच जाते, फिर लॉकडाउन की घोषणा करते, बिल्कुल आपका सवाल वाजिब है, सुंदराजी से उत्तर भी लेंगे। लेकिन जब 519 थे तब आप अनुपात लगा सकते हैं कि उस समय कितने टेस्ट हुए थे और अब कितने टेस्ट हुए हैं, उसमें से कितने निकले हैं, इसका भी अंदाजा लगाना। उस समय टेस्ट ही बहुत कम हुए थे, जांच ही बहुत कम हुई थी। त्रिपाठी जी, मैं बताता हूँ, देखिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टेस्ट कहाँ हो रहे हैं? अमेरिका से ज्यादा टेस्ट हो रहा है स्पेन में जी। 215 देशों में कोरोना फैला है, हम आके टिक गए हैं 11वें नंबर पर, चाइना हमसे नीचे हो गया है जी। अभी भी हमारे टेस्ट की संख्या कितनी है? 1 मिलियन, यानी 10 लाख पर हम मुश्किल 1200-1300 टेस्ट कर पा रहे हैं, जबकि स्पेन में होते हैं 52,000, 52,000, 10 लाख पे। ये किसका फेलवर है साहब? ये मोदी जी का फेलवर है। राज्य को किट खरीदने का अधिकार नहीं है, राज्य को टेस्टिंग सेंटर बनाने का अधिकार नहीं है। हमारे एजेंसी कौन सी है? एम्स हमारी नोडल एजेंसी है। अगर हम किसी निजी संस्थान को भी टेस्टिंग सेंटर बनाना चाहते हैं तो उसकी अनुमति कौन देता है? यहाँ का एम्स देता है। तो राज्यों का अधिकार आपने दिया नहीं। 1897 का एक्ट है, एपिडेमिक एक्ट, आपने उसको लागू करके रखा है सारे अधिकार। आप देखिए कल आखिर टेलीविजन पर मैं देख रहा था कि अब राज्यों से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, यानी अभी तक ट्रेन आती थी तो मुझे पता रहता था, हमारी सरकार को पता रहता था कि 1200 मजदूर आने वाले हैं, उनके लिए हमको इंतजाम करना है। अब मनमानी ट्रेन चलेंगी, हर स्टेशन पर रुकेंगी। सोचिए, जरा सोच के देखिए कौन सी सरकार इसको मैनेज कर लेगी और कैसे मैनेज कर लेगी। चलिए सिंह साहब, मुद्दा आज संघ का था, संघ को आपने छेड़ा है। सुंदरानी जी, आपने कहा है कि या तो माफी मांगे या अपने शब्द वापस ले। आप पहले यही बता दीजिए कि संघ ने छत्तीसगढ़ की बात करें कि संघ ने कहां कहां छत्तीसगढ़ में अपना सहयोग दिया है पीड़ितों के साथ। त्रिपाठी जी, रायपुर से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारतवर्ष में संघ के स्वयंसेवक हजारों की संख्या में गरीबों की, जरूरतमंदों की सेवा में लगे हुए। एक कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं दिखता है, दिखते हैं तो संघ के स्वयंसेवक दिखते हैं। लगातार घर घर जाकर अनाज पहुंचाने का काम, घर घर जाकर खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम संघ और संघ के अनुसांगिक संगठनों ने किया है।
विद्यार्थी परिषद के माध्यम से किया, स्वदेशी विचार मंच के माध्यम से किया, संघ परिवार के अनेकों अनुसांगिक संगठन इस काम में लगे, चाहे वो मजदूर संघ हो या अन्य संगठन हो, सारे लोग संघ के लोग सेवा करने में लगे। और आज नहीं, भारत में जब जब कोई विपत्ति आई, बाढ़ आई, ट्रेन के हादसे हुए, सिर्फ संघ के स्वयं सेवक ही दिखते रहे, कभी कांग्रेस का सेवा दल नहीं दिखा। मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मानसिक संतुलन खो चुके हैं। जिस प्रकार यहाँ पे कांग्रेस की स्थिति बदतर हो जा रही, जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में आने वाले मजदूर पैदल चलकर 5-5, 6-6 सौ, 7-7 सौ किलोमीटर पैदल चलकर पहुंच रहे हैं, उनको खाने तक की व्यवस्था अगर कोई कर रहे हैं तो सामाजिक संगठन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संघ के लोग कर रहे हैं। कांग्रेस का कार्यकर्ता ये जो आप कह रहे हैं कि 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर पैदल चल के छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं, तो क्या ये भूपेश जी वहाँ महाराष्ट्र और कर्नाटक बस भिजवाते क्या लाने के लिए? ये तो सिंह साहब ने ये बात उठाई है कि आपको लॉकडाउन करना था, दो चीज का ध्यान आकर्षित। देखिए, एक तरफ कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी एक बात कहते हैं कि लॉकडाउन करने में देरी की गई, इनको बहुत पहले लॉकडाउन करना था। दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि 8 दिन का और समय देना था। ये कांग्रेस का विरोधाभास है। अभी अभी आरपी सिंह साहब यूपी की बात कर रहे हैं, हम 1000 बसें भेजेंगे। किस प्रकार की बस? ऑटो रिक्शा, थ्री व्हीलर, टू व्हीलर के नंबर दिए, फर्जी काम करते हैं ये लोग, आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं, और आरएसएस जैसी पवित्र संस्था पे आरोप लगाते हैं। जो आरएसएस लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उस वक्त जो युद्ध हुआ था चाइना पाकिस्तान के युद्ध में, गुरुजी जाके उनको ये ऑफर दे के आए थे कि कहां संघ के स्वयं सेवकों को लगाना है, मैं तैयार बैठा हूं, मेरे स्वयं सेवक हजारों लाखों की तादाद में देश सेवा के लिए आगे आने को तैयार है। ये संघ का चरित्र रहा है, राष्ट्रवाद, संघ राष्ट्रवाद के ऊपर काम करता है। बार बार आरपी सिंह जी कह रहे हैं मजदूर वो हिंदू हो जाते हैं, ये कभी भारतीय जनता पार्टी हिंदू और गैर हिंदू की बात नहीं करती, मानवता की बात करती, राष्ट्रीयता की बात करती, भारतीयता की बात करती है। ये क्या हमें पाठ पढ़ाएंगे कांग्रेस के लोग? चलिए, विरोधाभास तो उनका है, लेकिन दूरदर्शिता तो प्रधानमंत्री को रखनी थी कि ये जितने मजदूर जिनकी उनकी दुर्दशा आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी दुर्दशा। त्रिपाठी जी, बच्चे भूख से मर रहे हैं साहब, केंद्र के पास रेल है, केंद्र के पास बसें हैं, सब चीजें हैं, हमारे छात्र पढ़ते थे जयपुर राजस्थान। अब मैं जिस दिन लॉकडाउन लगा, दिल्ली से हजारों लाखों की तादाद में मजदूर यूपी और बिहार जाना चाह रहे थे, योगी आदित्यनाथ जी ने दिल्ली में हजारों बसें भेजकर तत्काल उन्हें बुलाया। ये 1.5 महीने बाद छत्तीसगढ़ की सरकार जागती है छत्तीसगढ़ के मजदूर लाने के लिए, और कोई स्थिति स्पष्ट नहीं कितने मजदूर है। कभी वो 1 लाख की बात करते, 1,17,000 की बात करते, कभी आरती सिंह जी 1,87,000 की बात करते, और मैं तो कह रहा हूँ कि 2 लाख से अधिक मजदूर हैं जिनका डिटेल नहीं था सरकार के पास। चलिए, डिटेल उनके पास नहीं था, लेकिन अगर बहुत बुरी स्थिति मजदूरों ने कर रखी, अगर मरकाम जी माफी नहीं मांगते, मजदूरों की स्थिति बहुत खराब कर रखी है, मरकाम जी शब्द वापस नहीं लेते हैं, अपनी टिप्पणी वापस नहीं लेते हैं, माफी नहीं मांगते हैं, तो आपका क्या स्टैंड होगा आगे? त्रिपाठी जी, जनता सबक सिखाएगी इनको, जनता देख रही, खून के आंसू रो रही है, शराब खोलने के लिए इनके पास है, ये शराब खोल दे, पूरे प्रदेश को शराब पिलाएं, लेकिन दूसरे व्यापार खोलने में इनको तकलीफ हो रही थी, 7 दिन शराब बेचने का काम किया इन्होंने, सुबह 7 बजे से 7 बजे तक, रात को 7 बजे तक खोलने का काम किया, ये मानवीयता इनकी, ये शराबबंदी का वादा करके सत्ता में आए थे, ये सिर्फ राजस्व की चिंता करते हैं साहब। आपके समय तो सरकार बेच रही थी साहब, आपके समय तो सरकार बेच रही थी सरकार बेच रही थी, हमने कोचिया राज त्रिपाठी जी समाप्त किया, हमने ठेकेदार, वही पॉलिसी पे तो ये चल रहे जिस पॉलिसी की आलोचना करते थे ये लोग, जी लगातार आलोचना करते थे हमारी शराब नीति की, लेकिन आज 1.5 साल कांग्रेस की सरकार को हो गया, उसी शराब नीति को इन्होंने स्वीकार किया, बल्कि कोचियों को बढ़ावा दिया,
अवैध शराब को बढ़ावा दिया, इनके यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अवैध शराब बेचने में पुलिस के साथ संलग्न होकर पकड़े जाते हैं, पार्टी से निलंबित किए जाते हैं। चलिए, कोई भारतीय जनता पार्टी का या आरएसएस का स्वयंसेवक कभी शराब बेचते नहीं पकड़ाया था जी, 15 साल सरकार में थे हम। सिंह साहब, एक बात उठाई है सुंदरानी जी ने, विरोधाभास है। एक तरफ आप कहते हैं लॉकडाउन करने में देरी की, आपने भी कहा कि छत्तीसगढ़ में बड़ी विधायकों की खरीद फरोख्त हो रही थी मध्य प्रदेश में, इस कारण लॉकडाउन में देरी की। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि 8-10 दिन उनको टाइम देते फिर लॉकडाउन करते, क्या करना चाहिए था, पहले कर देते या 10 दिन टाइम देते? देखिए, मेरा कहना है त्रिपाठी जी ये है कि जब 30 जनवरी को इस देश में पहला कोरोना का केस सामने आता है, 12 फरवरी को राहुल जी ट्वीट करते हैं कि आप इसको संज्ञान लीजिए, उसके पहले 3-4 बार और आगाज कर चुके हैं, तो आप नमस्ते ट्रंप में जो है लगे रहते हैं, नमस्ते ट्रंप को आप किनारे कर देते हैं और भारत माता की जय बोलकर मां भारती की सेवा में लग जाते तो दिन देखना नहीं पड़ता, एक मरीज का दूसरा मरीज नहीं हो पाता। लेकिन आपने क्या किया, आपने नमस्ते ट्रंप करने के चक्कर में दिल्ली फुकवा दी, दिल्ली के दंगे भड़क गए, ट्रंप नहीं होते हो सकता है पीएम दिल्ली में रहते, हालात काबू में हो जाते, लेकिन आपने नहीं, आप साहब प्रधानमंत्री नहीं है, आप जो है इस देश के परिधान मंत्री हैं, आप इवेंट मैनेजर हैं, आपको इवेंट अच्छा करना आता, देश चलाना नहीं आता है। और मूल प्रश्न जो था आज का आरएसएस की बात, तो फिर पलट के वही आता हूँ, ये शराब वराब की बातें जो है, आपने ये नहीं बताया कि लॉकडाउन की तिथि और बढ़ानी थी कि पहले करना था? देखिए, मैंने कहा ना, आपने पहले क्रिएट किया है, आप अगर जागृत हो जाते तो नमस्ते ट्रंप को किनारे करते, और 30 जनवरी को जब पहला केस सामने आता है उसी दिन आप चैतन्य हो जाते, 15 दिन का समय देते, सारी ट्रेनें चल रही थी, सारी फ्लाइट चल रही थी, सारी बसें चल रही थी, सारी टैक्सियां चल रही थी, 15 दिन में जितने मजदूर अपने अपने घर जाना चाहते थे अपने अपने घर चले जाते, आप 2 या 3 फेज से लॉकडाउन करते, मरीज बढ़ते नहीं। लेकिन मैंने कहा ना, आपके पास विजन के नाम पर टेलीविजन है और शासन के नाम पर खाली कुशासन है और भाषण है, जिसमें जुमलों की भरमार होती है। मैं फिर पलट के आता हूँ आरएसएस के पास, और बीच में एक लाइन बोलूंगा शराब की। 15 साल तक सुंदरानी जी की पार्टी की सरकार रही, हमें अब पता चला कि हमारी सरकार आई तब शराब की दुकानों में शराब की बिक्री होती है, इसके पहले वहां डाबर का च्यवनप्राश बिकता था और सुंदरानी जी वहां जाकर खरीद के खाते थे जी। दूसरी बात, 1925 में संघ की स्थापना हुई, राष्ट्रवादी संगठन है, कितने लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी, कितने लोगों को काला पानी की सजा हुई, कितने लोग जेल गए, कितने लोग आधा दर्जन अंग्रेजों से माफी मांग के हाथ जोड़ के छूटे, उनसे पेंशन पाते थे, और इतना ही राष्ट्रवादी संगठन है ना साहब। तो आजादी के बाद 52 साल, 52 ईयर्स, आधी सदी आपने हिंदुस्तान की आन बान शान का जो प्रतीक है तिरंगा, वो अपने पार्टी कार्यालय पर नहीं फहराया। जब थूथू होने लगी तब बेशर्मी को आपने किनारे किया और झंडा फहराया। 1948 में यही लोग हैं जिन्होंने तिरंगे को पैरों तले रोदा था। कैसा राष्ट्रवाद है आपका, आपका राष्ट्रवाद जो है ना खाली हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान, उसके ऊपर आपकी सोच नहीं है। मैंने कहा ना, यहाँ भी गरीबों की मदद के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन आया था सामने, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन जो गरीब था वो बताया ना, अंगूठे से मोटी सोने की चैन पहना था और 10 हाथों में सोने की अंगूठी, तो ऐसे लोग इनको गरीब लगते हैं। हमें तो गरीब वो लगता है साहब जो जमीन पर चल रहा है। देखिए, मैं 2 लाइन बोलूंगा, अपना पराया कोई नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और नाता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है जनता के प्रति। जो कांग्रेस पार्टी का प्यार है वो हमेशा बने रहेगा, हम सत्ता में रहें, हम सत्ता में ना रहें, सरकार बनाए, सरकार गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। वो 1000 गाड़ियों के फर्जी नंबर भी आप लोग दोगे, हम जो है यहाँ के देश की जनता की सेवा करेंगे। नहीं, आप प्यार देते जनता को, ये दुत्कारते हैं सुंदरानी जी, क्या इनको नफरत? देखिए, इनको गरीबों से नफरत है, आप देखिए, इसीलिए 15 साल हमने राज किया छत्तीसगढ़, 15 साल राज किया, और 303 सीटें जो कभी अटल जी ने कही थी वो 303 सीटें आई हैं इनकी। 303 सीटें के काम का आधार पाई है, आप एक सर्वे करा लीजिए, क्या हुआ, एयर स्ट्राइक, पुलवामा का हमला, ये मान्यता प्राप्त विपक्षी दल भी नहीं है केंद्र में, जो 55 साल त्रिपाठी जी, 55 साल जिस कांग्रेस पार्टी ने राज किया उस 55 सीटें नहीं है कांग्रेस की, उसमें कार शामिल थी, उसमें टैक्सी शामिल थी, 1000 बसों की गिनती करने में इनकी सरकार को 2 मिनट लगता है। अब पुलवामा में 350 किलो आरडीएक्स आता है, 2 साल घटना का होगा, आज तक पता नहीं चलता है, तो दाल में कुछ तो काला है या फिर पूरी दाल ही काली है। आप क्यों पकड़ना नहीं चाहते, आप ये सच देश को बताना क्यों नहीं चाहते,
अरे आपकी विधायक कर रही है, रायबरेली की विधायक कर रही है, प्रियंका जी पे सवाल भाजपा ने नहीं उठाया, प्रियंका जी पे आपके विधायक ने उठाया। आने दिया, ये सारी बातों का जवाब आपको देना पड़ेगा। रही बात नहीं, रायबरेली की विधायक ने आवाज उठाई है प्रियंका जी के खिलाफ और प्रियंका जी की फर्जी लिस्ट में। कोरोना के बहाने ही सही, इस देश की जनता को एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि मोदी जी को सिर्फ एक काम आता है, वो भाषण देना। इसीलिए आप देखिए, चलिए भाषण देना ही आता हो, लेकिन भाषण दे करके लगातार पूर्ण बहुमत पे आ रहे हैं सिंह साहब, आप नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पा रहे हैं। ये मान्यता प्राप्त विपक्ष जल्दी बन पाए। एक छोटी सी घटना गुजरात की जी, एक रीजनल चैनल का पत्रकार जाता है और भूखे प्यासे मजदूरों के बीच पूछता है कि मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो आप लोगों को कैसा लग रहा है और नतीजा क्या होता है, हमने आपने सबने देखा है। उस पत्रकार के ऊपर भीड़ ने प्राण घातक हमला कर दिया, देख अपनी जान बचाई। तो अब मोदी जी के जुमलों का असर धीरे धीरे उतरने लगा है और कोरोना के बहाने ही सही, देश की जनता ने यह बहुत अच्छे से जान लिया है कि आजादी के बाद सबसे कमजोर, सबसे अक्षम और सबसे ज्यादा अदूरदर्शी को प्रधानमंत्री है तो मोदी जी हैं और देश का इतिहास उनको इसी रूप में अपने पन्नों में दर्ज करेगा। चलिए किस में दर्ज करेगा सुंदरानी जी अलग बात है, लेकिन सुंदरानी जी फिलहाल अब ऐसा हमारा एक सजेशन है, अगर आप कहें तो अब संघ के कार्यकर्ता कहीं पे जरूरतमंदों पे अगर मदद पहुंचाने जाएं तो उसकी फोटो लीजिए, फोटो लेकर सिंह साहब को पहुंचाइए। सुंदरानी जी तो हमें त्रिपाठी जी संघ को कांग्रेस के सर्टिफिकेट की जरूरत है जी। पूरा हिंदुस्तान का मीडिया ये मानता है कि संघ का स्वयंसेवक हर समय विपत्ति के समय खड़ा होता है, चाहे ट्रेन का हादसा हो या आंधी तूफान की बात हो या कहीं बाढ़ आती हो तो संघ का स्वयंसेवक ही खड़ा दिखता है। जी जी बिल्कुल। भार्गव जी क्या लगता है आपको कि ये मुद्दा संघ का, खैर जैसे कोरोना और मजदूरों तक चला गया, संघ पे जो सवाल उठाए गए हैं वो कितना गंभीर है और क्या इसके रिसर्केशन क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे आगे? देखिए जहां तक आरएसएस का सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, तो ये तो माना हुआ तथ्य है जब से भारत आजाद हुआ है कि कहीं भी कोई विपत्ति आई हो, विपदा आई हो, आपदा आई हो, उसमें संघ के कार्यकर्ता बराबर जनता की सेवा करते रहे और प्रचार से कोसों दूर रहे, ये तो तय बात है। और यहां तक कि कई बार तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भी तारीफ की है जी। रहा ये कोरोना के मामले में, संघ आज पूरे देश में जी नेशनल चैनल्स में बराबर उनके क्रियाकलाप आ रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं। रहा कल में कांग्रेस का नेशनल चैनल में, कल आज तक में और एबीपी में न्यूज में मैं देख रहा था, चैनल में बाकी चैनलों का नाम मत लीजिए, हाँ मैं देख रहा था कि इन्होंने चप्पल बांटी है तो नंगे पैर खड़ा करके दामल रोड में तपती दोपहरी में नंगे पैर बच्चों को बड़ों को खड़ा कर दिया, उसके बाद उनको चप्पल पहनाई जी। अरे आपका आदमी जाकर वही उनके हाथ में भी दे सकता था, लेकिन आपको फोटो खिंचवाना था तो प्रचार से कांग्रेस नहीं भाग। चलिए हम इसका परिणाम हम जानना चाहते हैं कि परिणाम क्या इसका होगा? परिणाम ये है कि क्योंकि एक धारणा आम जनमानस में बनी हुई है कि आरएसएस हमेशा मददगार रहा है और कांग्रेस का काम है विरोध करना, कांग्रेस विरोध करती रही है। दूसरी बात यह है कि अभी लॉकडाउन की बात हो रही थी, जैसे कि लॉकडाउन में देरी की या असुविधाएं हुई, असुविधाएं तो हुई भार्गव जी, नहीं असुविधाएं तो हुई लेकिन असुविधाएं प्रशासन असहनी देखने वालों को नहीं, नहीं नहीं लग रहा त्रिपाठी जी उसको तो थोड़ी असुविधाएं जो हुई वो प्रशासन के कारण हुई जी। पुलिस वालों ने ज्यादतियां की, नगर निगम नगर पालिका वालों ने ज्यादतियां की, बाजार से माल गायब हो गया, आपने दुकानें बंद करवा दी, 10 रुपए किलो मिलने वाला आलू 100 रुपए किलो बिका। ये महंगाई अलग है, जो मजदूर जिस तरह से आ रहे हैं, केंद्र के पास सारी ट्रेनें हैं, सारा परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध हैं, अगर एसएमएस ही जिस तरह किसानों की तौल करते हैं, एसएमएस डालते हैं कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस जगह जाना है, एक एसएमएस करते हैं कि आपको इस समय बस यहाँ से मिल जाएगी, आप अपने गंतव्य स्थान तक जा सकते हैं। मोदी जी ने कहा सरकार के पास बहुत सारी सुविधाएं हैं। देखिए मोदी जी ने कहा था पहले लॉकडाउन में 21 तारीख की रात में कि जो जहां है वहीं रुक जाए, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। 21 दिन में उसका राशन पानी खत्म हो गया मजदूर का, फिर कहां? नहीं नहीं दूसरी बार फिर रुकने को मिल गया। आपका कहना सही है कि 21 दिन बाद खत्म हो गया, और जैसा कि अभी सिंह साहब बोल रहे थे
कि जनता जनार्दन देखेगी ये करेगी। देखिए नोटबंदी की थी, नोटबंदी में भी इससे कम तक लेकिन नोटबंदी अलग मुद्दा था भारत नहीं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी जीत के आई, वो जीत के आई। नोटबंदी में ये कष्ट नहीं हुआ था जो आज पैदल बच्चे भूखे सब मर रहे हैं, उनके पास खाने को नहीं है, आखिर स्वयंसेवी संगठनों को क्यों आना पड़ा? तो ये राज्य सरकारों को इंतजाम करना था, केंद्र की एक गलती रही कि केंद्र राज्य में कितने, आप तो सिमरानी जी बोल रहे हैं कि सभी जगह उनकी सरकार है, एक दो जगह छोड़ दो तो। हाँ, तो उनको अपनी सरकारों को भी मदद करना था, क्योंकि केंद्रीय कर इकट्ठा आप लेते हैं, आप अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट, गुजरात में उनकी, उत्तर प्रदेश में उनकी, मध्य प्रदेश में उनकी, कर्नाटक में उनकी, तो सब जगह यही के तो मजदूर, महाराष्ट्र छोड़ दिए, बाकी सारे मजदूर यही से परेशान होते हैं। देखिए छत्तीसगढ़ से मजदूर पलायन क्यों करता है दूसरे स्टेट में जाके? अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का जैसे शासन है, अगर वहां उनको खाने को मिलता, उनकी रोजी रोटी मिलती, तो वो क्यों पलायन करते? क्यों जाते हजारों किलोमीटर? कांग्रेस कैसे देती थी 15 साल में नहीं मिला उनको पलायन? तो कम से कम इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रशासन को विचार करना चाहिए कि हमारे प्रदेश के मजदूर दूसरे प्रदेशों में क्यों जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हमारे पास समय कम है। उसे सिंह साहब आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि जब इंदिरा जी ने बांग्लादेश बनाया था उस दौरान, ये आपको भी मालूम होगा, अटल जी से उन्होंने रात में फोन पे बात की थी, फिर मुलाकात की थी, फिर अटल जी को नागपुर भेजा गया था संघ मुख्यालय, इसलिए कि हमें संघ की जरूरत पड़ेगी, हमें संघ की सहयोग की जरूरत पड़ेगी और हम बांग्लादेश बनाने जा रहे हैं। शायद हमारे इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे सिंह साहब। देखिए, मैं आपकी सारी बातों को इत्तेफाक रखता हूं, मैं मानता हूं, स्वीकार करता हूं, लेकिन क्या होता है, भारतीय जनता पार्टी और इसकी मात्र शाखा जो है उनका समय समय पर चाल चरित्र और चेहरा बदलता रहता है जी। आप देखिए, जैसे चुनाव आए गए हिंदू मुसलमान की फसल काटने लगते हैं, चुनाव खत्म, सबका साथ सबका विकास, जबकि होता क्या है, सबका साथ अपना विकास, जनता का विनाश। तो ये साहब रंग बदलने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी गांधी जी के DNA पे चलती है, न तब बदली थी न आज बदली है। चलिए सिंह साहब, समय हमारा समाप्त हो रहा, मनोज जी की एक टिप्पणी ले। मनोज जी, ये मुद्दा मुझे लगता है जैसे सुंदरानी जी ने कहा, हमने पूछा भी उनसे कि इसको कहां तक आप ले जाएंगे अगर वो अपने शब्द वापस नहीं लेते हैं, तो उन्होंने कह दिया जनता बताएगी। अब आपको क्या लगता है ये मुद्दा कितना गंभीर होगा वहां? देखिए, मुद्दा एक तो पहले, सबसे पहले PCC अध्यक्ष ने इसको उठाया था, उसके बाद फिर नेता प्रतिपक्ष का जवाब आया था, लेकिन एक और 5 क्वेश्चन फिर पूछा गया है RSS से, जिसका जवाब आना बाकी है। तो मुझे लगता है कि आने वाले सप्ताह में तो ये चलेगा भी और चलेगा। चलिए, हम लोग उस 5 सवाल जो पूछे गए उसमें फिर बात कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सिंह साहब आपका, सुमरानी जी आपका, मनोज जी आपका, हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो देश के तमाम राज्य कोरोना के कारण संकट में है। ऐसी स्थिति में छत्तीसगढ़ में एक अलग राजनीति चलना निश्चित रूप से किसी को भी नहीं भाएगा। अच्छा, यहां भी 100 के करीब केस हो चुके हैं। जरूरी है कि महामारी के खात्मे के लिए सब एकजुट हो, लेकिन गंभीर परिस्थितियों में भी प्रदेश में राजनीति जोर पकड़ रही है। नेता अपना अपना हिस्सा ग्रहण चुके हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने संघ को लेकर एक नहीं कई सवाल उठाए। हालांकि ये सवाल जायज है या नहीं जनता बखूबी जानती है, मगर मोहन मरकाम के सवालों ने बीजेपी को छेड़ दिया है और अब वार पर पलटवार का दौर जारी है, जो शायद जल्दी थमने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, संघ पर शुरू हुआ सियासी घमासान कोरोना को भी